जनपद फतेहपुर में आयोजित नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्र मेधा अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछकर संवाद करते हुए तकनीकी जानकारी दी। नासा के वैज्ञानिक ने डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रेरणा से आजमगढ़ के छोटे से गांव पैकोली से निकलकर नासा तक के अपने सफर को बयां कर बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने को प्रेरित किया। युवा वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा कैलिफोर्निया में नासा कैलटेक की टीम का हिस्सा हैं और दुनिया की सबसे तेज लेजर शीट इमेजिंग तकनीक का आविष्कार कर देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। युवा वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा ने कहा कि हमें सपने हमेशा बड़े देखना चाहिए और उनको पूरा करने के लिए कठिन मेहनत की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का नाम है लेजर शीट कंप्रेस अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी और इसको हमने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारी जो टीम है उसके साथ डेवलप किया। बच्चों को मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में आपको जो भी अनुभव मिल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सजो के रखिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस जो ले रहे हो, जैसे कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था कि जब बल्ब हमारे यहाँ बल्ब लटका रहता था, फिलामेंट में जब लाइट आती थी तो बड़ा मैं वो होता था, फैसिनेट होता था। फिर हम देवरी जो होती है दिया जलाते हैं उससे पढ़ाई किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस था जब मैं दिए को लेकर बहुत क्यूरियस था कि दिए में पीला कलर कैसे निकलता है, नीला क्यों नहीं निकलता। गाँव में मैंने जो दिए के समय पढ़ाई की थी, हमने वो एक्सपेरिमेंट दिए के ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया है। आज हमारी उत्तर प्रदेश मतलब फतेहपुर जनपद में पहली बार कोई साइंटिस्ट आए नासा से और वो हमारे विद्यालय में आए, तो बच्चों के अंदर एक अजीब सा उत्साह था। उन्होंने आज अभी कई बच्चों ने बताया कि मैं उनको देख करके मैं भी आगे साइंटिस्ट ही बनने का सोच रहा हूँ। कई लोगों ने पीछे जाके बातचीत भी की, तो आज उन्हीं के उत्साह को देखते हुए और हमारे बीच योगेश्वर नाथ मिश्रा जी पहली बार आए, तो मैंने लाइब्रेरी का इसलिए घोषणा किया ताकि बच्चे उसमें जाकर के उनके बारे में जाने और साइंस के बारे में और अच्छे से जान सकें और उसको आगे लेकर जाएं। हमारे ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए इनको ये समर्पित है।